ऑलराइट, सो बहुत भारी दिल के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि ये व्लॉग जो होने वाला है, ये व्लॉग है एक कहानी के एंड के बारे में. इट्स नॉट अ फन व्लॉग, इट्स नॉट अ व्लॉग अबाउट समथिंग स्पेशल और एनीथिंग लाइक दैट. इट जस्ट बोल सकते हो तो एक बहुत लंबे चैप्टर के अंत होने वाली है इस व्लॉग में, और यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ लास्ट व्लॉग. लेट मी एक्सप्लेन. ओके, सो जो ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं इस चैनल के थ्रू या इन जनरल जो मुझे ज़्यादातर लोग जानते हैं, उनको ये लगता होगा कि मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ. उनके लिए मैं बता दूँ, मैं एक्चुअली लखनऊ से बिलोंग नहीं करता हूँ. मैं लखनऊ अपनी पढ़ाई करने के लिए आया था. मैं बिलोंग करता हूँ गाज़ीपुर नाम के एक शहर से, गंगा किनारे एक शहर है बनारस के पास. काफ़ी छोटा सा शहर है, नॉर्मल शहर है. मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ. एक छोटे शहर का जो बच्चा होता है ना, उसकी एक मैंटेलिटी होती है जब वो क्लास 9th में 10th में या 11th 12th में होता है, कि अब उसका स्कूल कंप्लीट होने वाला है. तो उसके दिमाग में एक चीज़ चलती है कि अब उसका स्कूल कंप्लीट होगा, वो कॉलेज जाने वाला है, तो कॉलेज में भी किसी बड़े शहर में जाएगा, कि घर से दूर रहेंगे, कोई फाउंडेशंस नहीं रहेंगे. क्योंकि मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो होते ही है सारी फैमिलीज में ऐसा थोड़ा रेस्ट्रिक्शन वगैरह होता है. तो ऐसा लगता है कि रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, घूमने को मिलेगा, जो मन में आएगा करेंगे ये वो. लेकिन उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था 12th में अच्छे नंबर से पास होना, और मैं फेल हो गया. नॉट एग्जैक्टली फेल हो गया, मेरे नंबर कम थे. पास हो गया था, मेरे नंबर कम थे, तो घर वालों ने बोला फिर से एग्ज़ाम देने के लिए. तो उस साल 12th कंप्लीट करने के बाद मुझे कॉलेज नहीं मिला. हाँ, तो फिर वो जब बोर्ड्स के मेरे जो दर्दनाक नंबर आए थे मेरे घर वाले अकॉर्डिंग, और मेरा दर्दनाक बोर्ड वाला एक्सपीरियंस. अब आप ही सोचो, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से, किसी भी फैमिली से इन जनरल बिलोंग करते हो, तो 12th में बोर्ड्स में आपके बहुत कम मार्क्स आए, जो आपके हिसाब से सही है कि आप तो पास हो गए, लेकिन आपकी फैमिली हिसाब से बहुत ख़राब था. क्या लगती है घर में, तो वैसे ही टिपिकल सिचुएशन हो गई थी. डिप्रेशन, मतलब नॉट एग्जैक्टली डिप्रेशन, बट बहुत सैड रहना, घर पे हर जगह ताने सुनना एंड ऑल. मेरा तो प्लान था कि मुझे कुछ क्रिएटिव फील्ड में करना, मुझे आर्ट्स लेना है, ऐसा कुछ करना है. तो आई वाज ओके विथ माय मार्क्स, बट घर वालों का प्लान ही कुछ और था. उनको था कि मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा, तो उन्होंने बोला इम्प्रूवमेंट करने को, मतलब फिर से एग्ज़ाम देने को. एंड दे वर कंसिडरिंग माई मार्क्स एट दैट टाइम दैट आई वॉज फेल्ड. सो कहीं ना कहीं मैंने भी डीप इनसाइड माई हार्ट, मतलब एक माइंड सेट बन गया था कि हाँ मैं फेल हो गया हूँ 12th में. तो मैंने दोबारा 12th के लिए एग्री करके कहा ठीक है, मैं 12th दोबारा दूंगा. एंड मुझे भेज दिया गया लखनऊ. लखनऊ इसलिए भेज दिया गया क्योंकि मैं लखनऊ आके कोचिंग करूँगा. बट टू बी ऑनेस्ट, लखनऊ एक मक्खी, आज किसी मक्खी का मटर हो जाए, मैं बता रहा हूँ लखनऊ के बारे में एक बात बता दूँ. मतलब मैंने जब मैं 12th में था, तो मैंने दिल्ली के बारे में सोचा, क्योंकि वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त वहीं जा रहे थे. बॉम्बे के बारे में सोचा बिकॉज टीवी वीवी में बहुत देखा था, कॉलेज वगैरह अच्छे थे. पुणे, हरियाणा, गुड़गांव, ये सब जगह के बारे में मैंने सोचा था बिकॉज पुणे में मेरा कज़न रहता है एंड ऑल. बट लखनऊ के, मतलब द पॉइंट इज़ कि मैंने लखनऊ के बारे में दूर तक नहीं सोचा था कि मुझे लखनऊ जाने को मिलेगा या फिर मैं लखनऊ जाऊँगा किसी भी चीज़ के लिए. बट किस्मत, डेस्टिनी, जो भी बोल लो, तो मैं लखनऊ पहुँच गया. लखनऊ में मुझे तिवारी ट्यूटोरियल नामक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराया गया. टू बी ऑनेस्ट, मेरा वहाँ पे लखनऊ के जो तिवारी ट्यूटोरियल थे, वहाँ पे मेरा मन नहीं लगता था, कि इट वॉज, मैं अकेला था. ऊपर से मुझे पढ़ने में कुछ ऐसे टिपिकल पढ़ने में कुछ खास मज़ा नहीं आता. एंड उसके बाद फिर मेरे बुआ एंड फूफा आ गए लखनऊ में, तो मैं उनके यहाँ शिफ्ट हो गया. एंड दे हैड, अरे मक्खी, एंड बुआ एंड फूफा हैड प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन बिल्डिंग माई करियर एंड द पर्सन आई एम टूडे. आई ओ देम अ बिग वन, सो थैंक यू बोथ ऑफ यू. कुछ था, कुछ महीने था, 9-10 महीने के अराउंड मान लो. तो मैंने अपना कोचिंग कंप्लीट किया, मैं वहाँ से आया यहाँ पे एग्ज़ाम 12th का दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए. एग्ज़ाम दिया एंड मैं फिर से जस्ट पास हुआ. मेरा कोई खास अच्छे नंबर नहीं है जिसके लिए मुझे भेजा गया था. तब भी मेरे दिमाग में था कि शायद मेरे घर वाले मान जाएंगे कि मुझे आर्ट फील्ड से कुछ करना है, समथिंग रिलेटेड टू डिज़ाइन आर्ट, कुछ क्रिएटिव करना है कॉलेज जाके. बट उस टाइम नहीं बन पाया वो सीन, और मुझे इंजीनियरिंग एडमिशन करा दिया गया. इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा चूज़ किया गया, BVD यूनिवर्सिटी लखनऊ में. एंड उसके बाद लाइफ ही बदल गई. लेट मी टेल यू कैसे. तो फाइनली इट वॉज टाइम फॉर द कॉलेज लाइफ.
मैं कॉलेज में एडमिशन हो चुका था, बट एक चीज़ मैं बता दूँ आपको बिफोर द कॉलेज वाला स्टोरी बताने से पहले, कि मैं बहुत ही कोई ऐसा स्मार्ट बच्चा नहीं था सोशली मतलब पढ़ाई में एवरेज, एंड ऐसे बाहर की दुनिया में मैं ऐसे बहुत स्मार्ट नहीं था, मुझे बाहर ज़्यादा पता नहीं था कैसे क्या चीज़ें होती हैं, आई वॉज टू बी ऑनेस्ट वेरी डम्ब काइंड ऑफ किड। से फर्स्ट डे कॉलेज था, उस समय कॉलेज में बड़ी एक्साइटमेंट थी कि कॉलेज जाना है यार, घूमेंगे फिरेंगे मस्ती करेंगे ऐश करेंगे। उस समय बीबीडी यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड भी नहीं था, तो वो भी था कि मस्त मस्त कपड़े शॉपिंग वोपिंग कर ली थी मैंने, कि मस्त मस्त कपड़े पहन के जाएंगे, स्टाइल मारेंगे एंड ऑल। मेरी लाइफ का बहुत टाइम बाद एक बहुत ही अच्छा फेज चल रहा था उस टाइम पे, एंड उस सब रितेश जो मेरा पहला रूममेट था हॉस्टल में, मेरा पहला दोस्त बीबीडी जाके, देन शुभम राय शर्मा मुझे मिला जो मेरी बैच में था, एंड इतनी सब कुछ अच्छी चल रही थी कि मैं घूम रहा था, मूवीज़ देखने जा रहा था। क्लास में अटेंडेंस का वहाँ पे कंपल्शन था नहीं, तो कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं क्लास वैसे ना के बराबर करता था। इन सब चीज़ में मैंने ये भूल गया कि इंजीनियरिंग इज़ नॉट अ ईजी सब्जेक्ट, तो ईजी कोर्स उसके लिए पढ़ना ही पड़ता है, जो मैंने सोचा था कि मैं पढ़ लूँगा। एंड जैसे आपको पता है मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन लगता था, तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर खूब मस्ती की, एग्ज़ाम आ गए, एग्ज़ाम दिए और 6 में से मैं 5 सब्जेक्ट में फेल हो गया। मैं बस एक सब्जेक्ट में पास हुआ था, दैट वाज एनवायरमेंटल साइंस। देन उसके बाद सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, सेकंड सेमेस्टर के स्टार्टिंग में मेरा एक्सीडेंट हो गया, वन ऑफ क्या मेरी लाइफ का सबसे सीरियस बाइक एक्सीडेंट उस टाइम पे हो गया। एंड वो एक्सीडेंट उस टाइम पे तो लगता था कि अरे क्यों हो गया क्या हो गया, बट अभी लगता है कि जो वो अच्छे के लिए हुआ। आई वॉज नॉट एबल टू वॉक इवन सिट और स्लीप प्रॉपरली इवन गो टू टॉयलेट। एक साल के लिए आई वॉज कम्प्लीटली ऑन बेड रेस्ट, व्हील चेयर या ऐसे ही बैसाखियाँ लेके मैं चलता वलता था। वो सीरियस एक्सीडेंट था, तो उस टाइम पे एक्सीडेंट की वजह से मुझे क्या लाइफ में अच्छा चीज़ ये हुआ कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो उस टाइम तक मैं ये सोचता था कि हर दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं लाइफ के, एंड सारे दोस्त आपका साथ देंगे नो मैटर वॉट, बट ऐसा था नहीं एक्चुअली। उस एक्सीडेंट में मुझे पता चला कि कौन एक्चुअली आपकी परवाह करते हैं या मेरी परवाह करते हैं, एंड कौन नहीं, जिनके बारे में सोचते थे कि ये मेरे बहुत क्लोज हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो तो कभी दिखे ही नहीं मेरे को। मतलब दे नेवर एवर केम टू सी मी, अरे एक कॉल करके पूछा भी नहीं कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं। सो अच्छा चीज़ ये हुआ कि मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इंसान, मतलब मुझे नई चीज़ पता चली कि इंसान ऐसे भी होते हैं, मतलब ही टाइप के। फिर वो टाइम पास हो गया, देन आई केम बैक टू कॉलेज। नीचे चल के बताता हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, एंड देख रहे हो पसीना, पंखे उनके बंद किए हुए हैं ताकि आवाज़ आ सके। तो नाउ इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब मैं स्कूल में था, तो जब मैं कॉलेज में आया था, तो उस समय दिमाग में एक था कि आज़ादी है, बताना नहीं है किसी को, गोल्स नहीं, मतलब एक था कि एक आज़ाद रहेंगे, खुश रहेंगे, किसी को कुछ जवाबदेही नहीं होगी, मतलब लाइफ इन्जॉय करेंगे मस्त। बट जब मैं MET में आया, जब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, चीज़ें बदल गई थी, देर वॉज डिफरेंट प्रायोरिटीज़, डिफरेंट। उस समय था कि हाँ कुछ करना है लाइफ में, तब समझ में आया कि लाइफ में आगे बढ़ने कुछ करना है, बिकॉज मेरे साथ वाले ग्रेजुएट हो रहे थे, जॉब लग रही थी, एंड आई वॉज स्टिल डूइंग नथिंग। एंड बिफोर कंटिन्यूइंग द MET की स्टोरी, आई वॉन्ट टू टेल यू कि दो चीज़ मैं बताना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ कि मैं पंखा चला के बैठा हूँ बिकॉज गर्मी बहुत हो रही है, और मैं गर्मी में ब्लॉग नहीं बना सकता क्योंकि छोटी मोटी बात करनी नहीं, लंबी बात करनी, तो प्लीज़ इग्नोर द साउंड ऑफ द फैन। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि BBD में जो मेरी थोड़ी बहुत आइडेंटिटी बनी थी एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल, तो वो बनी थी डांस के थ्रू, एंड डांस का सारा क्रेडिट मैं दूंगा आयुष मनराल को। वैन एक्सीडेंट के बाद जब मैं रिकवर हुआ, तो मैंने एक डांस ग्रुप ज्वाइन किया था यूनिवर्सिटी पॉप रॉक्स करके, जो आयुष मनराल का ग्रुप था, ही इज़ अ पार्ट ऑफ अ टीम नोन एज 610 हॉपर्स इन लखनऊ, जो कि बेसिकली दे वर द स्टार्टिंग ऑफ द अंडरग्राउंड सीन ऑफ डांस, मतलब डांस का अंडरग्राउंड, हिप हॉप्स का अंडरग्राउंड सीन ऑफ लखनऊ। सो अ बिग थैंक यू टू आयुष मनराल, आयुष सिंह मनराल, अगर तू नहीं होता भाई तो अपनी आइडेंटिटी आई डोंट नो क्या होता। सो थैंक यू फॉर दैट, एंड लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। तो MET पहुँचा, MET में सेकेंड ईयर से मेरी मेन कहानी स्टार्ट होती है। एंड जब मैं सेकेंड ईयर में पहुँचा, तो पता चला जो लड़की थी जिससे मुझे प्यार हुआ था BBD में, वो लखनऊ छोड़ के चली गई थी, उसका BTech कम्प्लीट हो गया था, एंड शी वेंट टू दिल्ली, एंड मैं यहाँ पे फंस के रह गया। मतलब मैं इन्हें सोचा था कि मैं अगर लखनऊ में पढ़ूंगा तो वो लखनऊ में रहेगी, मतलब समझ रहे हो ना, मामला सेट रहेगा, लेकिन वो कट ली दिल्ली, अपन रहेगा लखनऊ में भाई।
इट वॉज बैड. द बॉटम लाइन इज कि वो चली गई छोड़ के लखनऊ. ओके सो उसके बाद स्टोरी देन आई स्टार्टेड मीटिंग न्यू पीपल. आई मेट रवि जो पिछले 3 साल से मेरा रूममेट है था. आई मीन मेट प्रांजल, आई मेट प्रकृति, आई मेट श्रेयांशी. जो सिर्फ इम्पोर्टेंट लोगों का नाम मैं ले रहा हूँ अभी, ऐश्वर्या, अमित, ये सब बहुत मतलब बोल रहे दिल के, कैसे बताऊँ, तनुश्री एंड ऑल, ये सब दिल के बहुत करीब वाले लोग हैं, बहुत करीब वाले. रुजता, नमिता मेरे क्लासमेट. तो लाइफ फिर से मस्त होने लगी. उसी टाइम के अराउंड आई स्टार्टेड यूट्यूब. मैंने अपना लाइफ का पहला मोटो व्लॉग डाला एंड उसके बाद की तो बस यूट्यूब जस्ट चेंज एवरीथिंग. यूट्यूब की वजह से मेरी मेरी पर्सनालिटी काफ़ी डेवलप हुई. इतना मैंने एज अ लाइफ में नहीं सीखा था, मतलब अभी तक नहीं सीखा था. उस यूट्यूब की वजह से मैं एज अ पर्सन बहुत ग्रो किया है. पर्सनालिटी में, बात करने तरीके में, लोगों से इंटरेक्ट करना पब्लिकली. मैं पब्लिकली बहुत ऑकवर्ड काइंड ऑफ पर्सन हूँ, लेकिन उसके बाद यूट्यूब की हेल्प से थैंक गॉड बहुत चीज़ें इंप्रूव हुई. सो बिग 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 थैंक यू टू यूट्यूब फॉर दिस. एंड यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद ही आई गॉट दिस माई फर्स्ट कैमरा. आई गॉट एक्सपोजर. लखनऊ में लोग मुझे जानने लगे, एमिटी में लोग मुझे जानने लगे. आई गॉट इनटू फोटोग्राफी. एक्शन देख रहे हो भाई का. आई गॉट इनटू फोटोग्राफी, आई गॉट इनटू वीडियोग्राफी. I then started, you know, making money out of these things. MIT में इंटीरियर डिज़ाइनिंग पढ़ रहा था, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट करने लगा, तो उसके मुझे थोड़े पैसे आने लगे. देन YouTube से नहीं, बट YouTube की वजह से थोड़े बहुत पैसे उससे आने लगे. चीज़ें सेट होने लगी, लाइफ में एक डायरेक्शन देखने लगा क्या करना है. बहुत मज़ा आने लगी. मतलब MIT वॉज लाइक BBD से भी अच्छा टाइम था मेरा. बहुत अच्छा टाइम गुजरा है यहाँ पे. Now I have graduated from MIT and this is the last, बोलते ना तो लास्ट लास्ट वाला चैप्टर है लखनऊ की किताब का. मतलब लखनऊ के एकदम लास्ट वाले पॉइंट पर पहुँच चुके हैं अपन लोग. सो ऐसे पता है क्या, कैसे बताऊँ, मतलब बहुत दिल पे पत्थर रख के मैंने लखनऊ छोड़ा है. ताकि बिकॉज लखनऊ से एक कनेक्शन, जब मैं लखनऊ आया था तो आई वॉज जस्ट अ यंग डम किड. एंड जब मैं लखनऊ छोड़ के जा रहा हूँ, आई एम अ टोटली डिफरेंट पर्सन. आई एम अ ग्रोन अप मैन डूड. लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब लखनऊ ने मुझे लाइफ के सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं. जितने भी लोग थे लखनऊ में जो मुझसे जुड़े, भले उनसे बाद में लड़ाई हो गई या जो भी हुआ, या मैं मतलब चीज़ें डिडंट वेंट द राइट वे, बट जितने भी लोग लखनऊ में मिले, दोस्त दुश्मन, यूट्यूब के थ्रू अपूर भैया, उज्जवल भैया, वतन, अमन हसन, यूट्यूब वाले लोग, कम्युनिटी के लोग वगैरह वगैरह, एंड जितने भी लोग मिले, तहे दिल से शुक्रिया कि मुझे सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला. एंड जो लोग नहीं भी हैं अभी मेरे साथ, जो लखनऊ में कभी कभी, उनको भी शुक्रिया कि उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. आई गेट टू नो कि लाइफ कैसे जीते हैं. लाइफ की फर्स्ट लद्दाख ट्रिप की, एंड मतलब क्या बताऊँ, द लिस्ट जस्ट गोज ऑन. द बॉटम लाइन इज़ कि लखनऊ ने मुझे जो आज मैं हूँ वो मुझे बनाया है. आई विल मिस लखनऊ. सबसे ज़्यादा आई विल मिस बीइंग अ लखनऊआइट. लेकिन लखनऊ वाला होना मैं सबसे ज़्यादा मिस करूँगा. एंड Alright, so last but not the least, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आई वुड लाइक टू टेक नेम्स ऑफ सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल ऑफ माई जर्नी जो लखनऊ की थी. सो हियर द लिस्ट गोज. रितेश, अभिषेक, आयुष, सौरभ चंद्रा, सिद्धार्थ भाटिया, सेजल जो भी, वतन, टीपू, Tipu, I love you dude and I miss you. Pata nahi tu kahan hai, but I miss you. Sejal, I miss you too. Then coming to Amity University, it's Ravi, my roommate, bro, peace. Then Amit is like one of the most important person in Lucknow I have. Then Pranjal, Ashwara, ye do mein dil ke jigar ke tukde. The whole Underdogs crew, Prakriti Tandon, दीक्षा पांडे, प्रशांत द कैमरा गाय, हंसदीप, सिमरन,
एंड कुशाग्र ब्रो कुशाग्र यार आई मिस योर जोक्स मैन आई मिस यू मैन देन आई गेस दैट्स इट और अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी मे बी माइंड स्लिप हो जाता है कभी कभी आई होप कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट लोगों का नाम ले लिया सो यू गाइज आर द लाइक तुम लोगों को स्पेशल वाला लव यू और थैंक यू मेरी तरफ से विद दैट सेड मैंने कहीं सुना था कि चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज कंसिस्टेंट इन योर लाइफ सो चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में बढ़ते रहने के लिए ग्रो करने के लिए लाइफ लाइफ को चलते रहने के लिए एल्स लाइफ विल गेट बोरिंग एंड यू वोंट ग्रो एज अ पर्सन दैट्स व्हाट आई बिलीव इट्स अ फाइनल गुड बाय लखनऊ आई विल मिस यू एंड या एंड जाते जाते दिल से थैंक यू उज्ज्वल भैया पूर्व भैया को एंड वन स्पेशल मेंशन टू वन ऑफ माय सब्सक्राइबर आयान डूड यू आर द बेस्ट जब मैं लखनऊ से आ रहा था मैंने स्टोरी डाली थी ट्रेन के बाहर था मैंने स्टोरी डाली थी एक तो स्टोरी देखे वो बंदा मेरे से मिलने आ गया था कि मैं जा रहा हूँ श्रेय यार डूड थैंक्स यार तू बहुत ज़्यादा स्पेशल है जब कोई नहीं था तब तू मेरे साथ था श्रेय मिस यू ब्रो लव यू एंड वन मोर स्पेशल नेम आई फॉरगॉट टू मेंशन हंसदीप और ये मुझसे मिली थी लखनऊ के सबसे लास्ट टाइम में सो हंसदीप यू रियली मेड माई लाइफ वेरी स्पेशल मुझे तुमसे सीखने में बहुत कुछ सीखा मैंने तुमसे प्रोफेशनली एंड पर्सनल लाइफ ऑल्सो थैंक यू फॉर बींग देयर एंड हेल्पिंग मी फाइनेंशियली एंड इमोशनली हमारा गुड बाय कुछ खास अच्छे तरीके से नहीं हुआ बट जो होना तो हो गया एंड आई फॉरगॉट टू टेक वन नेम शैव्या तो भी बहुत अच्छी दोस्त है मेरी सॉरी मैं भूल गया और किसी का नाम याद आएगा तो मैं बोल दूँ बस दैट्स इट आई एम डन From Lucknow. I'm done with Lucknow. Lucknow ka chapter hi close karta hai. Peace and enjoy this little montage video I made. Chala. Bye-bye. Abhi record pe laga rakha hai. Tu camera off karo. Mana dil dara dara. तो क्या हुआ जो बदला हो जो कहता था ये बदल जाए दुनिया मैं रहूंगा बस वही मगर जहां जरूर
चाहे तो डरने लगता है कहीं।